नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कोडरमा जिला के कोडरमा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में फुलवरिया मोहल्ला में वहां रह रहे लोगों का हाल जानने एवं वहां तक पहुंच रही सरकारी योजनाओं का हाल जानने पहुंचे। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ तकनीकी कमियों के कारण हम वहां लोगों से हुए बातचीत की आवाज़ को रिकॉर्ड करने से वंचित रहे। यह मोहल्ला कोडरमा जिला मुख्यालय यानी जिलाधिकारी के कार्यालय, एसपी कार्यालय, जिला व्यवहार न्यायालय, जिला वन पदाधिकारी समेत तमाम अधिकारी के कार्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मोहल्ले में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। आज़ादी के 76 वर्षों बाद भी यह गांव पक्की सड़क एवं बिजली के लिए आस लगाए हुए हैं। लगभग 100 परिवारों के इस मोहल्ले गली का ढलाई हो चुका है, लेकिन आज भी यहाँ के लोगों को पानी के स्रोत के लिए महज 2 चापाकल पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इस मोहल्ले में कुल 6 चापाकल लगे हैं, लेकिन 6 में 4 चापाकल खराब हो चुके हैं। महज 2 चापाकलों से यहाँ रह रहे सभी परिवारों 100 परिवार मात्र 2 चापाकल पर पानी के लिए निर्भर। मोहल्ले में बिजली के खंभे भी गड़े हैं और उन पर लो टेंशन की तार भी टंगे हुए हैं। गांव के शुरुआत में ट्रांसफार्मर भी खड़ा है, लेकिन उसमें 1100 वोल्ट की बिजली का सप्लाई चालू नहीं। इसके लिए लोग बताते हैं वन विभाग के तरफ से एनओसी नहीं मिलने के कारण काम अधूरा रह गया है। राशन लेने के लिए पीडीएस की दुकान भी यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर है। रात के समय रोशनी के लिए यहाँ कुल 6 सोलर लाइट लगे हैं, जो लगने के कुछ समय बाद से ही खराब है। आज भी लोग यहाँ मोमबत्ती एवं लालटेन की रोशनी में रहने को मजबूर है। पूरे गांव में बहुत ही कम लोगों के पास मोबाइल फोन है, क्योंकि उनके पास चार्जिंग का कोई साधन नहीं है। कुछ लोग छोटे छोटे सोलर प्लेट के मदद से अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, तो कुछ शहर से चार्ज करवा कर लाते हैं। इस मोहल्ले में आज भी कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं करता है। यहाँ के ज्यादातर लोग जंगल पर ही जिंदा हैं। जंगल से लकड़ी चुनकर या अवरख चुनकर उससे जो पैसा मिलता है वही उनके जीने का आधार है। कुछ लोग शहर में दिहाड़ी मजदूरी का काम कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उज्ज्वला गैस का कनेक्शन लोगों ने लिया है, लेकिन पैसे के अभाव में सिलेंडर नहीं भरवा पाते। लगभग सभी परिवार लकड़ी से ही खाना बनाते हैं। और जब मैंने इनसे जानना चाहा कि सभी चुनाव में तो प्रत्याशी वोट मांगने आते होंगे आपके यहाँ, तो आप क्यों वोट देते हैं, तो उन्होंने जो बताया वो बहुत ही चौंकाने वाला बात है। लोग कैसे ब्लैकमेल करते हैं, इनको डराते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग वोट मांगने आते हैं वो कहते हैं यदि आप वोट नहीं देंगे तो जो भी सरकारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, जैसे आवास योजना, वृद्धा पेंशन या पीडीएस की दुकान से राशन, उन योजनाओं से भी आपका नाम कट जाएगा। यदि आप वोट करने नहीं जाते हैं तो किसी भी तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए नहीं चाहते हुए भी डर के मारे मतदान करते हैं, चाहे वो किसी के भी पक्ष में। गांव के शुरुआत में जो ट्रांसफार्मर खड़ा है, या आज से लगभग 5 6 साल पहले खड़ा हुआ था, जब रघुवर दास यहाँ के मुख्यमंत्री थे। लोगों ने बताया कि कोडरमा में जब उनका प्रोग्राम था तो एक दिन में, रघुवर दास का जब प्रोग्राम था कोडरमा में, एक दिन में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ट्रांसफार्मर खड़ा कर दिया और पूरे गांव में लो टेंशन का तार घुमा दिया। लेकिन आज तक उसमें सप्लाई चालू नहीं हो पाया और यह ट्रांसफार्मर खराब हो चुका है। एक तरफ
हम दावा करते हैं, हमारी सरकार दावा करती है कि भारत चांद पे पहुंच रहा है, और एक तरफ मूलभूत सुविधाएं भी हम अपने लोगों को नहीं मुहैया करवा पा रहे हैं, यह बहुत ही दुखद है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।